علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان बिसमिल्लर अल्लाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे हम भी अलहमदिल्ला से ठीक हैं जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं वीडियोस को लाइक कर रहे हैं आप सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे आमीन शरीफ की रात ही ना और मैं और बच्चे बैठ के ना टीवी पे पर इस्लामिक प्रोग्राम्स देख रहे थे तो मैं एनवीक को कह रही थी कि सुबह मेरा बड़ा दिल है कि मैं कल ना रोज़ा रखूं तो बच्चों ने कहा कि मामा हम लोग भी डैडी के लिए रोज़ा रखना चाहते हैं उनकी सेहत याबी की नीयत करके तो मेरी ये बात ना दिल को बहुत लगी फिर बच्चों को सुबह मैंने जस्ट एक आवाज़ दी सैरी में तो बच्चे उठ गए बच्चों ने भी रोज़ा रखा सारों ने मैंने भी रखा अल्हम्दुलिल्लाह और उसके बाद बच्चों को स्कूल मैंने छोड़ा स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि आज ना मैं जाती हूँ माकशे पे ले कर आती हूँ थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ताकि बच्चों के लिए अच्छी सी इफ्तार का अरेंज करूँ और हमारे यहाँ पे ना सैटरडे वाला दिन लगता है लेकिन मुझे कल चाहिए था तो मैंने सोचा कि चलो मैं जाके ना कोई बात नहीं मौसम अच्छा है तो मैं जाके ना मुला से ले आती हूँ यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा माकशा लगता है मुला में ओपन मार्केट और यहाँ पे सब्ज़ी फ्रूट्स के अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं घर की ये वो मैं तो खैर जल्दी से गई थी क्योंकि उसके बाद ना नताशा घर ही थी और नताशा ने जो है वो साढ़े दस बजे कॉलेज जाना था तो उसे मैंने कहा कि मैं साढ़े दस तक तो आ जाऊँगी अगर मैं लेट हो गई ना तो तुम हुरैन को सामने वो एक रहते हैं ओल्ड मियाँ बीवी तो मैंने सोचा कि उसके पास छोड़ देना बस जल्दी से मैंने ना थोड़ा सा फ्रूट लिया साथ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली और मुझे एक बात की बहुत खुशी हुई कि मुझे अलहमदिल्ला यहाँ से ना फ्रेश मटर मिल गए काफ़ी टाइम हो गया है आलमोस्ट दो तीन महीने नवीद को ना मटर बहुत पसंद है आलू मटर बना लें मिक्स सब्जी में बना लें उन्हें बहुत पसंद है तो मैं जाते जाते यही दुआ करके गई कि काश मुझे ना फ्रेश मटर भी मिल जाए और साथ नवीद को ना जपानी फल भी बहुत पसंद है तो मैंने सोचा कि अल्लाह करे वहाँ से हमें मिल जाए दोनों चीज़ें तो बहुत खुशी हुई इतनी कम प्राइस में ना वहाँ पे मटर लगे हुए थे तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आई मैंने सोचा कि निकाल के फ्रीज़ कर लूँगी अब जैसे ही मैं यहाँ पे घर पहुँची ना और दरवाजे के बाहर मैंने ना एक पोस्ट देखी नताशा लिख के लगा के गई हुई थी कि हुरैन अकेली घर है जल्दी से मैं डरी मैंने दरवाज़ा खुला नीचे से मैंने बेल दी थी तो ऊपर हुरन खड़ी तो उसने कहा मामा मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा आप ही जो है वो कॉली चली गई है और मैं जो है ना टीवी लगा के आपका वेट कर रही थी तकरीबन बीस पच्चीस मिनट हो रहे हैं अकेली घर रही और मुझे बहुत ना डर लग रहा था कि खुदा हासा ये रो ना पड़ती मुझे तो था ये सामने माई की घर होगी लेकिन जब मैंने ये नताशा के दरवाजे पे पोस्ट देखी तो बस मेरे दिल को एकदम से कुछ हुआ कि कहीं रो ना रही हो लेकिन अलहमद से हुरैन से है ना वो भी थोड़ी थोड़ी सियानी सी हो रही है घर आते साथ ना मैंने फटाफट से फिर थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी मुझे था कि बस जल्दी से ना क्लीनिंग कर लूँ उसके बाद फिर निविद हॉस्पिटल से आ जाते हैं तकरीबन बारह बजे तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले जो है ना वो सारी क्लीनिंग कर लूँ एक बात पे ना दिल बहुत ज़्यादा मेरा ना खफ़ा हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा कि अभी ये जो दो तीन महीने गुजरे हैं ना एक तो कोविड ने का को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इतना इम्यून सिस्टम उनका उसने ख़राब करके रख दिया है ना इतनी वीकनेस कभी ज़िंदगी में मैंने जो है ना वो नहीं देखी कि सारा दिन वो बेड पर रहती हैं सारा दिन से उठते हैं बाहर आते हैं खाना खाते हैं फिर जाके लेट जाते हैं उनसे ना तो उठ के चला जाता है सही से ना उनसे बाहर निकला जाता है घर से बाहर तो वो निकले ही नहीं इन दो तीन महीनों में शायद एक आध दफ़ा बस कटिंग करवाने गए हैं और ये सब चीज़ें देख के ना मेरा दिल इतना फिर खून के आंसू रोता है ना कि मैं चाहती हूँ मुझे जल्दी से वो ठीक ठाक भागते दौड़ते जो है वो नज़र आए बच्चों के साथ मस्तियाँ करते पहले की तरह पहले तो मेरे साथ पेरिस चले जाते थे मार्क्सों पे खाना देने चले जाते थे किसी का आर्डर होता था वो डिलीवर करने चले जाते थे लेकिन ये वाला जो साल है ना उसने स्पेशल अभी ये दो तीन महीने जो उनकी इतनी तबीयत खराब रही है जो उनके लंग्स का मसला रहा है उस दिन आप बहुत डिस्टर्ब करके रख दिया है क्या सोच यहां के आए थे यहाँ पे कि इतनी जल्दी नवीज हैं वो ठीक हो जाएंगे हर चीज़ पहले जैसी हो जाएगी मैं मुझे पता है कि अल्लाह ताला की हर बात में कोई ना कोई मसलहत होती है ये देरी इंशाल्लाह उनके लिए बहुत खैर का बायस होगी अगर देरी हो रही है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कोईमत उसकी पोचिदा होगी तो बस अपना बहुत दुआएँ निकलती हैं कि अल्लाह करे उनकी ये सब तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ और वो पहले जैसी एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें आप सब लोगों से ये बातें शेयर करने का यही मकसद होता है कि न जाने कब किसकी दुआ हमारे हक़ में कबूल हो जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए मैं ना अपनी बेटी के साथ अभी यही सोच रही थी हम सोच रहे थे कि ऐसी क्या एक्टिविटीज़ हो जो घर में की जाए और जिससे जो है ना वो थोड़ा सा नवीद बिज़ी रहें तो नताशा मुझे यही कह रही थी कि मामा ऐसे करते हैं थोड़े से प्लांट्स लेके आते हैं और डैडी जो है ना उनकी वही टेक केयर करेंगे थोड़ा सा बिज़ी भी रहेंगे उनकी तबीयत जो है ना वो भी फ्रेश रहेगी तो मुझे भी आइडिया ना उसका अच्छा लगा मैंने सोचा कि चलो अभी देखते हैं कोई दो चार प्लांट्स ले के आते हैं और निविद के ज़िम्मे लगाते हैं उनकी टेक केयर करना मेरा दिल करता है कि वो बिस्तर को छोड़ें थोड़ा सा फ़्रेश फील करें क्योंकि एक इंसान ऑलरेडी इतनी तकलीफ में होता है ना और फिर अगर वो सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहे ना तो वो मैंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होकर रह जाता है और फिर मैं और बच्चे हम लोग जब निविद को इस हालत में देखते हैं ना तो दिल बहुत तो है ना दुखता है बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा वीकनेस हो गई है बिल्कुल अब तो उठ के वो बाथरूम तक जाते हैं ना तो ऐसे उनके पेट में दर्द होती है ना बहुत ज़्यादा कोविड ने पकड़ के ना उनकी तबीयत को डिस्टर्ब करके रख दिया है कोविड हालांकि उनका ख़त्म हुए भी दो मंथ हो गए हैं लेकिन अभी तक उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो भी जाने का नाम नहीं ले रहे अभी तक ना बहुत उनकी तबीयत ना डिस्टर्ब हुई हुई है बच्चे कह रहे थे कि मामा मैं ना बच्चों को कुछ टाइम पहले एक वाक्य सुना रही थी जब भत फ़ातिमा इस्लाम ने अपने बेटे की सेहत के लिए तीन रोज़े रखे थे और मैं अपने बच्चों को वही सुना रही थी तो उन्होंने कहा कि मामा हम लोग भी डैडी के लिए अब तीन रोज़े रखेंगे और अल्लाह करे डैडी जो है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए बच्चे जब आए ना स्कूल से तो उसके बाद भी मैंने उनको सेकंड टाइम स्कूल नहीं भेजा था मैंने कहा नहीं इस तरह से जो है ना फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने थक जाना था तो फिर बच्चे घर रहे रमेश ने कहा कि मैंने तो आज सारा दिन टीवी नहीं देखना आज सारा दिन मामा की हेल्प करवानी है और सारा दिन जो है ना अच्छे अच्छे काम करने ताकि हमारा रोज़ा जो है ना वो बहुत अच्छा सा गुजरे उसके बाद जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह करके निविद आए उनको मैंने खाना दिया और उसके बाद जो मैं सब्ज़ी फ्रूट लेके आई हुई थी उसको संभाला मटर लाने की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई हो रही थी ना मैंने सोचा कि चलो ये सारे मटर आराम से निकाल के तो इनको मैं थोड़ा सा फ्रीज़ कर लूँगी जिस दिन फिर बनाने वो आराम से निकाले और बना लें फ्रोज़न मटर यहाँ पर मिलते हैं लेकिन ना उनका टेस्ट बड़ा डिफरेंट सा होता है मीठा मीठा सा तो वो मज़ा नहीं आता जो फ़्रेश मटरों का होता है और आज वाले ये जो मटर थे ना ये माशाल्लाह से बड़े ही फ़्रेश थे और बड़े ही रीज़नेबल प्राइस में आज तक मुझे इतने सस्ते मटर यहाँ फ़्रांस में नहीं मिले आप लोग भी ना मुझे सुजेशनस दीजिएगा कि घर रह के अनवीद कैसे अपने आप को थोड़ा सा बिज़ी रखें ताकि वो इस बीमारी को भूलें थोड़ा सेहत की तरफ़ आएँ थोड़ा सा उनकी तबीयत है ना वो बेहतर हो वापसी सेहत की तरफ़ आएँ मुझे आप लोग ना ज़रूर बताइएगा और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना हर एक के कमेंट को मैं पढ़ती हूँ वेरी सॉरी अगर कभी किसी के कमेंट का मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ तो उसके लिए मैं पेशगी आप लोगों से माजत करती हूँ बस सारा दिन की भाग दौड़ इतनी ज़्यादा होती है ना पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजर जाता है यहाँ पे ना फिर इफ्तार से थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने सोचा कि आज ना बच्चों के लिए बनाती हूँ मटर वाले चावल साथ मैंने सोचा कि मैं ना फोर्न में थोड़ा सा बना लूँगी चिकन और चिकन रोस्ट जो है ना उसको बनाने के लिए मैंने सुबह ही जो है ना माक्शे से आके तो मैंने थोड़ा सा मसाला लगा के उसको फ्रिज में रख दिया था और यहाँ पे क्विक क्विक से जना मैं बना रही थी मटर नताशा ने मुझे कहा मामा बिल्कुल फीके से ना बनाना आज थोड़े से स्पाइसी बनाना क्योंकि पहले हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ ना बहुत कम जस्ट एक दो सब्ज़ मिर्च डालती हूँ और बस सिंपल सा बनाती हूँ मटर का पुलाव लेकिन आज उसने कहा तो मैंने फिर थोड़ा सा इसको स्पाइसी करके बनाया उसके बाद जो है ना ये थोड़ा सा फ्रूट जो है मैंने सोचा कि बच्चों के लिए मज़ेदार किस्म की फ्रूट चट बनाई जाए और यहाँ पे सारे मटर ना बच्चों ने मेरी हेल्प करवाई रमीज़ फाइक ने इवन हुरैन ने भी मेरी हेल्प करवाई तो सारे मटर जो है ना वो मैंने छील के रख दिए मटर का पुलाव जो है ना ये भी बड़ा मजे का जो है वो रेडी हो गया था तो साथ हताशा ने कहा थोड़े से आलू भी डाल दो तो वो भी डाल दिए झटपट से जो है ना रोज़ा खुलने से एक घंटा पहले जो है ना मैंने फिर ऑन किया उसके अंदर जो है वो मैंने फिर चिकन रख दिया और कल तो रमीज़ का पहला रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह वह आठ साल का होने वाला है और इससे पहले मैंने उसे कभी भी यहाँ पे ना रोज़ा नहीं रखवाया क्योंकि यहाँ पे जब भी अभी रमज़ान आया था ना तो गर्मियों में था और इतना लंबे टाइम के लिए होता था रोज़ा तो चिड़िया रोज़ा दो चार दफ़ा से है ना उसके बहुत फोर्स करने पे मैंने रिखवाया लेकिन कल उस दिन ना अलहमदिल्ला पहला रोज़ा उसने रखा था तो बस मुझे था कि थोड़ा सा खाना भी थोड़ा फ्रेश स्पेशल किस्म का होना चाहिए बच्चों के लिए अल्लाह ताला जो है ना बड़ा गफूर रहीम है वो अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और बच्चों से तो उसको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है बच्चे चूँकि मासूम भी होते हैं तो स्पेशल फिर रमीज़ फ़ाइक ने अपने डैडी के लिए इतनी सारी दुआएं की बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा कल परसों फाइक रमीज़ कह रहे थे डैडी अब तो इतने महीने गुजर गए आप हमारे साथ नीचे खेलने के लिए नहीं आए हमें कहीं बाहर नहीं लेके गए हमारे साथ बाहर नहीं गेंगे तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इस तरह फील करती हैं ना बहुत ज़्यादा फिर यहाँ परदेस में और होता ही कौन है दो ही तो रिश्ते हैं एक माँ का और एक बाप का बच्चों ने जाना भी कहाँ होता है तो ये सारी चीज़ें फिर बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती हैं खैर यहाँ पे देखें जी अलहमदिल्ला से हमारी इफ्तार बिल्कुल टाइम पे रेडी हो गई थी

और यहाँ पे अलहमद से हमारे एक बहुत अच्छे दिन का हो गया जी एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआओं के साथ और आप लोगों जो कमेंट करके बताते हैं किसी के हस्बैंड बीमार हैं किसी की सिस्टर बीमार हैं तो आप लोगों के लिए दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं कहती हैं ना कि दूसरों के लिए दुआ करते रहें ना तो अपने लिए दुआ खुद बहुत अपने लिए दुआएँ कबूल होती हैं तो मेरी दुआएँ हमेशा आप लोगों के साथ हैं अल्लाह तला मेरा और आप सबका हामी नासिर हो अल्लाह ताली पूरी उम्मत है मुस्लिम में जो मुसलमान जहाँ कहीं परेशान हैं जितने भी लोग जहाँ कहीं बीमार हैं अल्लाह पाक सब कुछ शिफाई कामिला और आजला दे और अल्लाह ताला नवीद को भी जल्दी से ठीक कर दे तो बस यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा हयाल ये ज़िंदगी बहुत मुख्तर है इसको अल्लाह तला जो है ना अल्लाह ताला की जात हमारे हक़ में बहुत पुरसकून वाली ज़िंदगी लिख दे आमीन अल्लाह हाफिटेक केयर फ़ी अमान कर दें गूठा पैन निकालें गुठे में से क्या कह मायने निकलती है हाँ? बाइड निकाले जरा फ्रेंड कहती है मैं अंगूठा इसलिए मुंह इस में डालती हूँ क्योंकि इसमें से सॉस निकलती है जो है मायोनीस दिखा ना जरा है ये हरण के अंगूठे में से मायोनीस निकलती है किसी को चाहिए हो तो हम बोतलें बार के भिजवा सकते हैं 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 ठीक है बोतलें बार बार के भिजवा दे जिनको चाहिए आपकी फ्रेंड्स को हैं तो गुड नाइट कर दो भी सबको अंगूठा बाइंड निकाल के अंगूठा बाइंड निकाल के आगा। आगा। ऐसे गुड नाइट करते हैं मैं देखो मैं देखो ऐसा ऐसा होता है मुंह पे भी है हम्म चनवीत का तो सारा दिन गुजरता <coughs> है बिस्तर पे कैसी तबीयत है तबीयत आज सर में दर्द हुआ है बहुत ज्यादा अभी थोड़ी देर से सर में दर्द कम हुआ है बस अभी उठ नहीं सकता ना क्या करूं बाहर नहीं जा सकता कोशिश करूंगा कल इन शह जुमा पढ़ने की अगर तबीयत मानी तो निबा नि जानने की कोशिश करूँगा बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये मुकदस दिन मुकदस महीना मुकदस आते जा रही है हो सके तो मेरे लिए आप दुआ करें भी